मेरठ में शराब का विरोध करना पड़ा भारी। महिला ने घर के बाहर शराब पीने से किया था मना। नशेड़ियों ने महिला का फोड़ा सिर, महिला के बच्चों को भी किया घायल। मेरठ में कुछ दबंगों ने महिलाओं पर हमला करके उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया। बताया जा रहा है कि मामला थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के जाकिर कॉलोनी गली नंबर 30 का है। यहाँ जायदा नाम की महिला के घर के बाहर कुछ युवक शराब पी रहे थे। महिला की माने तो ये करीब 8 युवक थे जो लगातार शराब पीते हुए शोरगुल कर रहे थे। महिला घर से बाहर निकली और इन सभी को अपने गेट पर शराब पीने से मना किया। इस पर सभी दबंग गाली गलौज पर उतारू हो गए और इसके बाद महिला ने उन्हें पुलिस को बुलाने की धमकी दे दी। इससे डर कर सभी युवक हमलावर हो गए और महिला के घर में घुसकर उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे उनका सिर फट गया। साथ ही महिला का आरोप है कि आरोपियों ने उनकी बेटी और दिलशाद नाम के युवक को भी घायल कर दिया है। किसान है, अनस है, और जैद है, और फहीम है, और नदीम है, नदीम है, रियाजू है, रिहान है। इन लोगों ने मामला क्या हुआ था? मामला ये हुआ भैया, गली के चौपले पे बैठ कर शराब पी में, गंदी गंदी गाली दे में, गोलियां चला में, और जो मना कर रहा है तो मारा पीटा। इस वजह से उन्होंने मारपीट करी हमारी साथ। कौन कौन घायल है तुम्हारा? कौन कौन घायल है? हमारा तीन जने घायल है, दो का गुमचोट, तीन का गुमचोट है। तीन जने घायल हुए, बलकटियों से गर्दन काट रहे थे, हमारी बलकटी मारी है हमारे सिरों में। रोकना चाहिए, रोक। महिला का आरोप है कि उन्हें काफी ज्यादा चोटें आई हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि मोहल्ले में काफी देर तक ये शराबी हंगामा करते रहे और जब पुलिस पहुंची तब जाकर मामला शांत हुआ। मेरठ से न्यूज टाइम नेशन के लिए खुर्शीद खान राजू के साथ शाहरुख सैफी और आसिफ सैफी की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।